ठाणे देशात मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और दर्शकों इस वक्त हम आए दैनिक आमची मुंबई न्यूज जहां पर एक अभी ऑफिस हुआ करता था और कुछ समय के बाद में देखने के बाद महानगर पालिका की तरफ से जितने भी पत्रकार क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो वरिष्ठ और बाकी के जो पत्रकार थे उन्हें आश्वासन दिया गया था आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा और उप आयुक्त मनीष जोशी द्वारा कि आपका जो ये ऑफिस है इस पे हम आश्वासन देते हैं कि जो टाटा ने जो केस किया हुआ था उस केस को लेकर किसी तरीके से कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब बाद में हमें आश्वासन देने के बाद में इस ऑफिस को ढा दिया गया बुलडोजर द्वारा इस ऑफिस को गिरा दिया गया और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बॉडीगार्ड तैनात किए गए हैं। ये स्पेशली दिखाया जा रहा है कि ये पत्रकारों को सीधी साधी धमकी कि आप हमारे बॉन्सरों को देखकर और हम लोगों को देखकर आप लोग डर जाइए और घबरा जाइए। और ये पत्रकार संघ है क्रांतिकारी पत्रकार संघ थाने से जो आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्शकों इन्हें दर्शाया गया और हम लोगों के साथ में सीधी साधी जो कार्रवाई करनी थी उस कार्रवाई के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से ऑफिस को ढाया गया और इसका काफी हद तक के नुकसान किया गया। आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरीके से इस ऑफिस को बुलडोजर द्वारा बुलाकर पूरा तहस तहस कर दिया गया और हमें आयुक्त द्वारा जो यहाँ पर आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन के चलते हम लोगों के साथ जो मारहाण किया गया और जो जिस तरीके से हमारे साथ धोखा किया गया आप ये देख सकते हैं दर्शकों कि हमें बताया गया था कि ये ऑफिस आप निश्चिंत रहिए जो टाटा पावर से संबंधित ये जो केस है न्यायालय में चल रहा था और जब तक के केस न्यायालय में चल रहा है तो किसी किस्म की तोड़ पाई और किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये माननीय न्यायालय में ये केस चल रहा था और इस केस के चलते दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ा भी गया मरोड़ा भी गया और काफ़ी हद तक के नुकसान किया गया। तो हमारा कहने का मतलब ये हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों जो केस न्यायालय के अंदर चल रहा था उसका उल्लंघन किया गया सीधा सीधा जो केस न्यायालय के तरफे इसके अंदर था उसको बाकायदा नुकसान में डाला गया। जो कोर्ट के ऊपर से जो न्याय ने जो लिखा हुआ था कि जब तक के कोर्ट न्यायालय में ये केस चल रहा है यहाँ किसी किस्म का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तो यहाँ सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि कोर्ट का अपमान किया गया है। कोर्ट के न्याय के ऊपर इन लोगों को विश्वास नहीं रहा जिसके चलते माननीय जो महानगर पालिका के अभिजीत बांगर उप आयुक्त मनीष जोशी इन लोगों ने इसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी छत उखाड़ दी पूरी छत उजाड़ दी। अब हम यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके साथ में हम दो शब्दों में बात करेंगे और उनकी सुनवाई करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कोर्ट की जो ये उल्लंघन किया गया और ये कोपरी परिसर का जो हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व रेलवे स्टेशन स्थानक के करीब में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का आवन जावन और किस तरीके से नुकसान किया गया आप देख सकते हैं। हम हमारे दर्शकों को ये लाइव दिखा रहे हैं और हम यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो मेन अधिकारी हैं जो मेन वरिष्ठ हैं हम उनसे दो शब्दों में बात करेंगे। थाने देशद मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है और सबसे पहले जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ के आप वरिष्ठ हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राम नवल शर्मा है, मैं क्रांतिकारी पत्रकार संघ का थाने अध्यक्ष हूँ। तो ये जो कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को लेकर जैसे कि हमें पता चला कि इस कार्रवाई के अंदर माननीय न्यायालय की तरफ से जो केस दाखिल किया गया था तो पता है कि ये केस हायरिंग पे है और ये कोर्ट में चल रहा है उसके बावजूद महानगर पालिका ने जो कार्रवाई की है इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? सर ये कार्रवाई के बारे में इनको मालिक कनूर शायद हम कुछ दिनों पहले जब इसमें दिया था इसको मतलब यहाँ रहने का अपना ऑफिस खोला उसके बाद इनका नोटिस आया था किसका महानगर पालिका का तो महानगर पालिका के नोटिस के ऊपर उन्होंने क्या क्या कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के पास उन्होंने केस किया था तो आज ही माननीय न्यायालय के पास केस चालू है और केस होते हुए इन्होंने आके कार्रवाई किया है जिसके बारे में माननीय आयुक्त साहब जो अभिजीत बांगर सर हैं उनसे ठाणे महानगरपालिका उनसे जाके मैंने मुलाकात किया था और हमारा पत्रकार संघ के लोग भी जाके मुलाकात किए थे परंतु उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई ये कार्रवाई मैं रुका रहा हूँ और कोर्ट में केस चल रहा है तो वो बात करके मनीष जोशी साहब उपायुक्त हैं ठाणे महानगर को फ़ोन किया तो उन्होंने शंकर पाडल को फ़ोन किया जो वो भी शंकर पाडल सर जो हैं वो भी अपना महानगर पालिका के नौपाड़ा कोपरी प्रभाग समिति के जो हैं उपायुक्त हैं और उनके सहायक आयुक्त को भी जो अजय अड़के साहब हैं उनसे भी बात किए तो बाद में आज आते आते मैं महानगर पालिका में था तो मालूम पड़ा कि हमारा ऑफिस तोड़ दिया गया हमारे जो यहाँ का कर्मचारी काम कर रहे लेडीज थी उनको जबरदस्ती बाहर निकाला गया हमारे सामान का तोड़फोड़ कर दिया गया हमको बताया भी नहीं गया कि आपके ऑफिस को तोड़ा जा रहा है
भाई बाद में इनको एडके साहब को फोन किया तो एडके साहब बोले हाँ मैं कार्रवाई ले रहा हूँ। बोला ठीक है सर, कागज रुकाइए, आपसे बात हुई थी तो क्या बोले कि नहीं मैं कार्रवाई लूँगा ही लूँगा, चाहे कुछ भी मैं आयुक्त का जैसा तभी रुकूँगा। ठीक है, तो मैं आयुक्त के पास भागा। आयुक्त के पास जब गया तो आयुक्त ने भी क्या हो गया कि वहाँ उनको बॉम्बे जाकर उनको मुलाकात नहीं हो पाई। तो माननीय राजदरेकर साहब से मैंने बात किया, राजदरेकर साहब बोले ठीक है आप जाओ कार्ड दो, मैं कार्ड दिया उनको, फिर वहाँ टाइम हो गया तब तक अपना ऑफिस का नार्ड हो चुका था। तो ये जो कार्रवाई हुई है और महानगर पालिका द्वारा हुई है, तो आप प्रशासन से इस चीज़ को लेकर क्या मांग चाहते हैं? मैं प्रांत से ही कहता हूँ कि हमारा क्रांतिकारी पत्रकार संघ पत्रकारों का ये ऑफिस था, यहाँ हमारा कार्य चलता था, कम से कम हमको यहाँ ये लोग बताते थे कि भाई आपका ऑफिस तोड़ा जा रहा है। हमारे बोर्ड पर नंबर था और नंबर होने के बावजूद भी क्या हो गया कि इन्होंने फ़ोन नहीं किया और कार्यालय पर कार्रवाई किया। और अभी हमारा प्रशासन से शासन से ही मांग है कि सर हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि हमारे सामान नादुरुस्त हो गया, हमारा पूरा कार्यक्रम भाई लोग बंद कर दिया है और बंद करने वजह से पूरा हमारा हम रोड पे आके बैठे हैं। अगर कल शासन प्रशासन अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है तो हम आमरण उत्पोष पर बैठें, क्योंकि हमारा साहित्य का नुकसान हो चुका है और हम जाएँ तो जाए कहाँ। तो ये हमने यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार है दीपक शर्मा जी हैं, उन्हीं के साथ में हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी हैं, तो हम इनसे भी दो शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे। आपका ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में स्वागत है सर। आप दो शब्दों में जरा इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आमची मुंबई का जो ऑफिस तोड़ा गया, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैं ठाणे और महाराष्ट्र के अभिमान करता हूँ न्यायालय का, और उल्लंघन नहीं करते वक्त और एक सादर प्रणाम करता हूँ ठाणे महानगर पालिका आयुक्त और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी को, और केंद्रीय और इंडिया के प्रधानमंत्री को मैं एक नमस्कार करता हूँ कि आप पत्रकारों के पीछे जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आता तो एक भेज दिया जाता है, लेकिन जब पत्रकारों के ऊपर घटना होता है तो आप हाथ उठा दे रहे हैं। लेकिन इस संज्ञानित में टाटा और इनका जो चल रहा था कोर्ट मैटर में, जो कि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, स्टेटस को दिया हुआ है, 3 महीने पहले हमारे जो यहाँ के जो भी थे वो जाने वाले थे हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करने के लिए, लेकिन थाने न्यायालय और जज को टाटा पावर ने अपमानित किया और थाने महानगर पालिका के सहायक आयुक्त अजीत अजय एडके जी ने अपमानित किया है। क्या थाने महानगर पालिका संज्ञानित में जो है तोड़ा हुआ वो बना के देना चाहिए, यही मांग है। नहीं तो थाने के क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जितने जुड़े सदस्य और पदाधिकारी हैं अनशन करेंगे, और यहाँ ही नहीं थाने जिला कलेक्टर अधिकारी श्री अशोक सिंगारे साहब से मांगनी है कि इसके ओर से आप कार्रवाई होना चाहिए, कोकण भवन अधिकारी और आयुक्त से कि इन उप आयुक्त और आयुक्त को थाने के और सहायक आयुक्त उपायुक्त सस्पेंड करें, और आयुक्त साहब ने सहायक आयुक्त को सस्पेंड निलंबित होना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारों के ऊपर जंग छेड़ चुके हैं ये लोग। आगे यही कहना चाहूँगा, ऐसे पत्रकारी को पत्रकारिता के गर्मी के ऊपर आप निंदा मत करो, नहीं तो पत्रकार क्या करेंगे, अपनी लोग बिरा देंगे, सर कटा देंगे, इस ऑफिस से नहीं जाएंगे, न्याय नहीं मिला तो। यही हमारा एक प्रशासन से मांगनी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। और इसी के साथ हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं न्यूज़24 जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, और ये वरिष्ठ पत्रकार क्रांतिकारी पत्रकार संघ के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी हम दो शब्दों में बात करते हुए इनसे कोशिश करेंगे कि ये इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालें। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार जैनवाल है और मैं न्यूज़24 खबर से ऑल इंडिया पत्रकारिता करता हूं। आज हमारे यहां पे क्रांतिकारी पत्र संघ और आमची मुंबई के साथ जो ये आपत्तिजनक दुर्घटना हुई है, और इस दुर्घटना की हमें कोई जानकारी नहीं दी, और न्याय पालिका न्याय कोर्ट से ने जो आदेश किए है उसका आदेश का भी उल्लंघन करते हुए TMC ने जो ये टाटा फाइनेंस टाटा ये कंपनी के जो आदेश पर इन्होंने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई आपत्तिजनक कार्रवाई के विरोध है हम, और इस विरोध में हम अनशन पर बैठेंगे और जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, और हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम क्रांतिकारी पत्र संघ के और आमची मुंबई और सभी हमारे जितने भी साथी हैं हम अनशन पर बैठेंगे। हमको इंसाफ चाहिए और हाल में चाहिए, और जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम अनशन पर बैठेंगे, और अनशन पर अगर हम ना बैठे और हमको इंसाफ दिलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पत्रकार
और पत्रकारों को मान सम्मान के साथ उनको सम्मान दिया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए, आपसे हम यही मांगनी करते हैं। जय महाराष्ट्र, जय भारत। तो ये हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की जो ठाणे शहर के अंदर रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जो महानगर पालिका से लेकर शासन हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस आयुक्त हो, सभी के साथ में, सभी सम्मेलन में, सभी प्रोग्राम में अपना हिस्सा लेते हैं और हर बात को लेकर इनके साथ जुड़े रहते हैं। और इस मौके पर पत्रकारों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार, ये कहां तक के सच है? तो इस बात को देखते हुए शासन हो, प्रशासन हो, उपायुक्त हो, मुख्यमंत्री हो, तो उन लोगों को ये, उनसे ये निवेदन किया जाता है कि ऐसी बात पर सख्त से सख्त संज्ञान ले और उन बड़े उपायुक्त है या आयुक्त है उनके साथ में इस बात की पुष्टि करें। और किस हद तक के ये क्रांतिकारी पत्रकार संघ का जो ये ऑफिस था, आमची मुंबई न्यूज़ चैनल का जो ये ऑफिस था, इसको जैसा का वैसा बना के देने की ये लोगों ने मांग की है, वरना ये अनशन ऑप्शन पे बैठेंगे। और यही इन्होंने अपनी मांग आपके सामने रखी है। तो ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।